फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए क्रोशिट पर्स का एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने मल्टी कलर का इस्तेमाल किया है। आपको जो भी कलर अच्छे लगते हैं वो आप लेके इस डिज़ाइन को बना सकते हो। तो फ्रेंड, जो मैंने यहाँ पे फ्लावर लगाए हैं उसकी डिज़ाइन आप चैनल पे जाके देख सकते हो, मैंने बताया है। तो फ्रेंड, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और उसके बाद जो मेरे जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना मत भूलना। इससे क्या होगा, मेरे जो भी नए नए वीडियो आते उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो फ्रेंड, चलो डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने जो फ्लावर बनाया है उसकी डिज़ाइन आप चैनल पे जाके देख सकते हो, मैंने बताया है। या फिर आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके फ्लावर की डिज़ाइन में इस फ्लावर की डिज़ाइन देख सकते हो। तो फ्रेंड, मैं आपको इस फ्लावर के साइड से हम किस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे और उससे हम किस तरह से पर्स बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने साइड से डिज़ाइन बना के ली है, तो मैं आपको बताती हूँ हम किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे मैंने मल्टी कलर में बनाया है, आप चाहे तो एक या दो कलर में भी बना के ले सकते हो। तो फ्रेंड, मैं आपको इस फ्लावर के साइड से हम किस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम सिंपल नॉट लगा के, यहाँ पे मैंने वाइट कलर लिया है, आपको जो भी पसंद है वो आप ले सकते हो। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम इस तरह से सिंपल नॉट लगा के 7 चेन बनाएंगे, 4, 5, 6, 7 7 चेन बना के, जो आगे का यहाँ पे हमने डिज़ाइन बनाए हैं उसके बीच में हम यहाँ पे इस तरह से एक डबल क्रोशेट बनाएंगे और बीच में 2 चेन बना के फिर से उसी डिज़ाइन के ऊपर और एक डबल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद हम 5 चेन बनाएंगे, 3, 4, 5 इस तरह से, और आगे जो 5 और आगे जो डिज़ाइन है उसके ऊपर हम इस तरह से सिंपल डबल क्रोशेट बना के लेंगे इस तरह से, और फिर से 5 चेन बनाएंगे, 3, 4, 5 और यहाँ पे आगे जो डिज़ाइन है उसके ऊपर 2 डबल क्रोशेट बना के लेंगे, बीच में 2 चेन और फिर से 1 डबल क्रोशेट, टोटल 2 डबल क्रोशेट इस तरह से। उसके बाद फिर से उसी तरह से 1, 2, 3, 4 और 5 5 चेन बना के फिर से आगे उसी डिज़ाइन के ऊपर यहाँ पे सिंपल डबल क्रोशेट बना के फिर से 5 चेन बनानी है। इसी तरह से हमें इस राउंड को यहाँ तक पूरा करके लेना है। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने इस राउंड को यहाँ तक पूरा करके लिया है, और जो हमने यहाँ पे पहले 7 चेन बनाई थी उसके 2 नंबर की यहाँ से जो चेन है उसके ऊपर हम इस डिज़ाइन को इस तरह से पूरा करके यहाँ पे धागे को कट करके लेंगे। और फ्रेंड, हम इस तरह से सिंपल नॉट लगा के आगे का कलर ज्वाइन करके लेंगे क्रोशेट का। यहाँ पे फिर से 3 चेन बनाएंगे,
यहाँ पे जो हमने 2 डबल क्रोशेट बनाए थे उसके बीच में, उसके बाद आगे हम 2 डबल क्रोशेट बना के 2 चेन बनाएंगे इस तरह से, और फिर से 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे उसी 2 डबल क्रोशेट के बीच में इस तरह से। उसके बाद जो हमने यहाँ पे 5 चेन बनाई थी उसके ऊपर इस तरह से 5 डबल क्रोशेट बना के लेंगे, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। उसके बाद आगे जो 5 चेन है उसके ऊपर भी हम 5 डबल क्रोशेट बना के लेंगे, 2, 3, 4 और 5 इस तरह से। और जो हमारे यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट है उसके बीच में इस तरह से 1, 2, 3 और बीच में 2 चेन, उसके बाद फिर से उसी 2 डबल क्रोशेट के बीच में इस तरह से 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। इस तरह से हमें इस राउंड को यहाँ तक पूरा करके लेना है। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने इस राउंड को पूरा करके लिया है, और जो हमने यहाँ पे 3 चेन बनाई थी उसके बीच में उस 3 नंबर के चेन के ऊपर हम इस राउंड को पूरा करके लेंगे और यहाँ पे धागे को कट करके लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने धागे को कट करके लिया है, और जो यहाँ पे 1 डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हम इस तरह से इस कलर को ज्वाइन करके लेंगे, और 1, 2 इस तरह से 2 चेन बना के आगे हम यहाँ पे जो डबल क्रोशेट है आगे का उसके ऊपर हम इस तरह से सिंपल डबल क्रोशेट बनाएंगे। आगे हम सारे डबल क्रोशेट के ऊपर सिंपल डबल क्रोशेट बना के लेंगे इस तरह से सिंपल क्रोशेट, सारे डबल क्रोशेट के ऊपर सिंपल क्रोशेट बना के लेंगे। इस तरह से। और जो हमने यहाँ पे 2 चेन बनाई थी उसके ऊपर भी हम इस तरह से 2 चेन बना के जो यहाँ पे डबल क्रोशेट है उसके ऊपर इस तरह से सिंपल डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो फ्रेंड इसी तरह से हम जो यहाँ पे हमने 2 चेन बनाई थी उसके ऊपर हम 2 चेन बनाएंगे, बाकी सारे डबल क्रोशेट के ऊपर हम सिंपल डबल क्रोशेट बनाएंगे जिस तरह से मैंने यहाँ पे बनाया है, और जो यहाँ पे 2 चेन बनाई थी उसके ऊपर 2 चेन बना के लिए। इसी तरह से हमें इस राउंड को यहाँ तक पूरा करके लेना है। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने इस राउंड को पूरा करके लिया है, और फ्रेंड अब हम यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे, और जो हमने यहाँ पे 2 चेन बनाई थी उसके 2 नंबर के चेन के ऊपर हम इस तरह से इस डिज़ाइन को पूरा करके लेंगे, और यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना के आगे जो हमने डबल क्रोशेट बनाए हैं सिंपल डबल क्रोशेट बनाए हैं उसके ऊपर
एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से। इसी तरह से हम सिंपल डबल क्रोशेट यहाँ तक बना के लेंगे। इस तरह से फ्रेंड मैंने यहाँ तक जो हमने यहाँ पे टू चेन बनाई थी उस डिज़ाइन उस टू चेन तक सिंपल डबल क्रोशेट बनाए यहाँ से। और अब हम जो हमने टू चेन बनाई थी उसके बीच में इस तरह से एक दो और तीन डबल क्रोशेट बनाएंगे, उसके बाद टू चेन बनाएंगे और फिर से उसी टू चेन के ऊपर इस तरह से थ्री डबल क्रोशेट बनाएंगे। थ्री और आगे फिर से सारे सिंपल डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से। तो फ्रेंड यहाँ पे जो टू चेन है उसके बीच में हमें टोटल छः डबल क्रोशेट बनानी है, पहले तीन उसके बाद टू चेन और फिर से थ्री डबल क्रोशेट जिस तरह से हमने यहाँ पे बनाया उसी तरह से हमें इस राउंड को यहाँ तक पूरा करके लेना है। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने इस राउंड को पूरा करके लिया है। आगे हम जो टू चेन बनाई थी उसके बीच में हम इस तरह से थ्री डबल क्रोशेट बनाएंगे, बीच में थ्री चेन बनाएंगे और फिर से उसी टू चेन के ऊपर थ्री डबल क्रोशेट बना के लेंगे। और जो हमने यहाँ पे थ्री चेन बनाई थी उसके थ्री नंबर के चेन के ऊपर इस राउंड को पूरा करके धागे को यहाँ पे कट करके लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने इस ब्लॉक के बीच में यहाँ पे एक मोती लगा के लिया है। तो फ्रेंड इसी तरह से मैंने फोर फ्लावर बना के फोर ब्लॉक बना के लिए है इस तरह से डिज़ाइन के। तो मैं आपको हम इसे किस तरह से ज्वाइन करेंगे वो बताऊंगी। फ्रेंड हम इस तरह से फ्लावर को रख के यहाँ पे हम पहले इस दो फ्लावर को ज्वाइन करेंगे इस तरह से दो ब्लॉक को, उसके बाद मैं आपको आगे हम किस तरह से ज्वाइन करेंगे वो बताऊंगी। तो पहले हम इसे इस तरह से उल्टा रख के इसे हम यहाँ पे ज्वाइन करके लेंगे दोनों को सुई धागे से, जिस तरह से हम सिलाई करते हैं उसी तरह से हमें यहाँ तक इस डिज़ाइन को सिला के लेना है इस तरह से। इसी तरह से हमें यहाँ तक इसे ज्वाइन करके लेना है। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने इस फोर ब्लॉक को ज्वाइन करके लिया है यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पे बीच में मैंने इसे ज्वाइन करके लिया है और अब हम यहाँ पे और यहाँ पे इसे ज्वाइन करेंगे। तो इसे इस तरह से रख के हम बीच में यहाँ पे ज्वाइन करके लेंगे पहले दो ब्लॉक को इस तरह से, उसके बाद नीचे के दो को। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने इसे बीच में ज्वाइन करके लिया है यहाँ पे और फिर से इसे इस तरह से हम उल्टा करके इसे हम साइड से ज्वाइन करेंगे यहाँ से और यहाँ से। उसके बाद आगे हम क्या डिज़ाइन बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने इसे दोनों साइड से ज्वाइन करके लिया है और अब हम इसे सीधा करके लेंगे। इस तरह से इस तरह से हमारी पर्स
दिखेगी। और फ्रेंड अब हम यहाँ पे इसे साइड से डिज़ाइन बनाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने येलो कलर के धागे को ज्वाइन करके लिया है यहाँ पे दूसरे कप्पे पे, दूसरे साइड पे। और यहाँ पे हम ने जो डबल क्रोशेट बनाए हैं उसके ऊपर हम इस तरह से एक एक डबल क्रोशेट बना के लेंगे यहाँ तक। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने डबल क्रोशेट का इस तरह से लाइन बना के लिए है 5। बार इस डिज़ाइन में मैंने डबल क्रोशेट के लाइन बना के लिए है। और यहाँ पे एक मोती लगा के इसे इस तरह से पूरा करके लिया है। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने मल्टी कलर का इस्तेमाल कर के किया है। तो आपको जो भी कलर अच्छे लगते हैं वो आप लेके इस डिज़ाइन को बना सकते हो। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा वीडियो पूरा हो गया। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो थैंक यू सो मच।